जनपद हापुड़ के थाना कब्रपुर क्षेत्र के गांव सपनावत में पति पत्नी और 16 साल की बेटी की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। गांव में मातम छाया हुआ है। जनपद हापुड़ के अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर सोमवार को गांव पहुंचे, जिन्होंने बताया कि संजीव राणा का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन संजीव की पत्नी प्रेमलता और बेटी पायल के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। हालांकि मामले की जाँच जारी है। देखिए, ये गांव सपनावत थाना कपूरपुर है, जनपद हापुड़ में, वहाँ की घटना है। कल शाम को ये सूचना मिली थी कि एक संजय नाम के व्यक्ति और उनकी पत्नी और बेटी, ये तीनों लोगों ने कथित तौर पर जो है जहर खा लिया था, जिसमें संजय जी की जो है कल ही मृत्यु हो गई और बाकी दोनों को सुभारती अस्पताल मेरठ में उनको दाखिल कराया गया था, इलाज चल रहा था। आज भी दुर्भाग्य से उन बाकी दोनों व्यक्तियों की भी जो जिन्होंने जहर खाया था उनकी मृत्यु हो गई है। इसी सूचना पे हम गांव में आए हैं। जानकारी ये हुई है कि ये परिवार जो था, ये आर्थिक तंगी के चलते और कुछ लोन वगैरह था, आर्थिक तंगी के चलते इन्होंने जो है ये कदम उठाया। अभी तक प्रथम दृष्टया इस प्रकार की बातें मिल रही हैं। इसमें जो और बातें पता चलेंगी, इनसे इनके परिवार के जिम्मेदार लोगों से बात करके उसके अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए, एक व्यक्ति जिसके बारे में सूचना ही नहीं दी गई थी और रास्ते में डेथ हो गई थी, उनका पोस्टमार्टम कल नहीं हुआ था, परंतु जो आज दोनों जिनका देहांत हुआ है उनका पोस्टमार्टम कराया जाना है। आपको बताते चले कि 50 वर्षीय संजीव राणा ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लिया था। बैंक कर्मी लोन चुकाने का दबाव बना रहे थे। वसूली से परेशान होकर शनिवार की रात को संजीव राणा, उसकी पत्नी प्रेमलता और 16 साल की बेटी पायल ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। संजीव राणा की रविवार को मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार किया गया, जबकि सोमवार को प्रेमलता और पायल का शव गांव पहुंचा, जिससे परिवार में मातम पसरा है। पुलिस ने प्रेमलता और पायल के शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है।